ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 की बढ़त के बाद भी अगर कप्तान खुश ना हो तो फिर आप क्या सोचेंगे और क्या समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल 2-0 की बढ़त है भारतीय टीम के पास। भारतीय टीम गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी पे ऑलरेडी अपना कब्जा कर चुकी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी उनकी जगह लगभग पक्की है, लेकिन शर्मा जी हैं कि सीरीज जीतने के बाद भी खुश नहीं है। नमस्कार अनिल, मैं आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आज ये बात करेंगे भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन की और खास तौर से साल 2023 में किस तरह से टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखरता नजर आता है। लगभग हर मैच में हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं वो हर बार हमें बेल आउट करते हैं, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? अभी तो हम चलिए सीरीज जीत गए तो बहुत खुश है, और अगर आप अक्षर पटेल, रवि जडेजा, अश्विन का बैट से कंट्रीब्यूशन अगर हटा दें तो शायद सीरीज का रिजल्ट भी उल्टा हो सकता था। शायद इसी वजह से शर्मा जी यानी कि रोहित बहुत ज्यादा खुश नहीं है अपनी टीम के प्रदर्शन को लेकर। इस पर बातचीत करेंगे राजकुमार शर्मा जी, पूर्व दिल्ली के हेड कोच और विराट के कोच हमारे साथ है, सबा करीम पूर्व सेलेक्टर और कमेंटेटर और क्रिकेटर हमारे साथ है। जिस तरह का हेडफोन आपने लगाया, मुझे लगता है इस तरह का हेडफोन तो भारतीय बल्लेबाजों को लगाना चाहिए ताकि लाउड एंड क्लियर चाहिए, वो सुन भी सके और समझ भी सके। क्योंकि जो शर्मा जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा वो बात के राहुल को लेकर उठी थी, लेकिन लगभग हर बल्लेबाज उन्होंने लपेटा दिया कि आपकी जिम्मेदारी आपको अपने कंट्रीब्यूशन को देखना पड़ेगा कि आप टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से लोअर ऑर्डर में आज कंट्रीब्यूशन हटा दे और ये गंभीरता से चला रहा है। सब यहाँ भी बार बार कहते हैं कि हमारा लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन जो टेस्ट क्रिकेट में रहा है उसकी वजह से हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक खड़े हैं, नहीं तो हम कहीं आसपास भी नहीं होता अगर लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन हटा दे तो। इसीलिए राजीव बहुत जरूरी है कि भारत की बल्लेबाजी में और ज्यादा निखार होना चाहिए। और जो दोनों टेस्ट मैचेस हुए हैं, जिस तरह के विकेट मुझे हमें मिले हैं खेलने के लिए, वो किसी भी तरह से अनप्लेबल विकेट नहीं है। यहाँ पर आप रन बना सकते हैं जिस तरह से लोअर मिडिल ऑर्डर ने दिखाया है करके, तो ऐसा क्या है कि हमारा टॉप ऑर्डर उस तरह से रन बना नहीं पा रहा है? इसके पहले भी बांग्लादेश की टेस्ट श्रृंखला आपको याद होगी, वहां पर भी हम थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे थे, अंत में वहां पर भी हमें, हम जो टेस्ट मैच जीते उसमें आर अश्विन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहा दूसरे वाले टेस्ट मैच में। तो ये एक परेशानी है। और जब आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की, और तैयारी सिर्फ फाइनल की नहीं है, फाइनल जीतने की तैयारी होनी चाहिए, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हमारी बल्लेबाजी कमजोर रही है। और आप कोटला का ये विकेट देख ले, ये जो विकेट हमें मिला है, ये हर दिन कोटला का विकेट ऐसे ही बिहेव करता है। राजकुमार को भली भांति मालूम होगा, इतने सारे रणजी ट्रॉफी मैचेस वहां पर हुए हैं, ऐसे विकेट वहां मिलते हैं, वहां ड्राई विकेट मिलते हैं, एक्सपेक्टेड टर्न रहता है, कोई अकस्मात उछाल मिलती नहीं है और बॉल नीचे बैठती है, और यही यहाँ भी हुआ है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है और आपको रन बनाना होगा। और कितनी बार आप विश्वास दिखाएंगे लोअर ऑर्डर के ऊपर? देखिए, इस तरह के विकेट पे जहाँ पर बॉल थोड़ी बहुत टर्न कर रही है, दूसरे टीम में उस प्रकार की क्वालिटी स्पिनर्स नहीं, वहां पर आपने रन बना लिया। पर जब बड़ा मैच आएगा बाहर ओवरसीज कंडीशंस में, जहाँ पर बॉल थोड़ी बहुत मूव करेगी ऑफ द विकेट, जहाँ पर टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स होंगे, वहां पर आप कब तक विश्वास दिखाते रहेंगे लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर? तो इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत जरूर है यहाँ पर भारतीय टीम को, उनके बल्लेबाजों को। राजकुमार साहब, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन आते हैं टॉप ऑर्डर से। रोहित शर्मा ने अभी शतक के लिए लगा दिया, लेकिन बांग्लादेश में हम पूरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, वही स्ट्रगल ऑस्ट्रेलिया। अब क्योंकि हम सीरीज 2-0 से आगे, इसमें कोई चर्चा नहीं कर रहा है इस बात पे कि एक्चुअली हमारी बैटिंग भी ऑस्ट्रेलिया जैसी ही रही है। फर्क क्या डाल गया कि अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा ने नीचे रन बना दिए, नहीं तो जो जो परिस्थिति ऑस्ट्रेलिया झेल रही वही परिस्थिति हम झेल रहे होते। तो कैसे सुधरे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि टॉप ऑर्डर का चलना तो जरूरी है ही आपको क्रंच मैचेस के लिए। राजीव, ये चिंता का विषय जरूर है और डिस्कशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम 2-0 से लीड कर रहे हैं और बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है हमारे ऑलराउंडर्स का। लेकिन एक चीज तो जरूर मानने योग्य है कि बैटिंग की कंडीशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, लेकिन फिर वो वहां पर हमारे ऑलराउंडर्स जब रन बना रहे हैं तो वो एक और ज्यादा क्वेश्चन मार्क होता है कि ये टॉप ऑर्डर क्यों नहीं बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थोड़ी सी और लेनी होगी भारतीय टॉप ऑर्डर को, क्योंकि सभी कैपेबल हैं। हम सब जानते हैं कि जो क्लास है भारतीय टॉप ऑर्डर में वो बहुत ही शानदार है। अब सभी के पास अच्छी टेक्निक है, अच्छा टेम्परामेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली एक रोहित की सेंचुरी को छोड़ दें उसके अलावा कोई बड़ी इनिंग आई नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, और जो ये हमारे प्लेयर्स हैं बहुत मेच्योर हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ये भली भांति जानते हैं कि उनके रन ड्यू हैं, उन्हें रन बनाने हैं अगर भारत को मैच जीतना है। तो आने वाले टेस्ट में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारा टॉप ऑर्डर जरूर फायर करेगा, क्योंकि राजीव सभी कैपेबल हैं बड़े स्कोर्स बनाने के।
बिल्कुल सभा भाई, अगर आप खासतौर से मैं अक्षर पटेल की बैटिंग पे अगर चर्चा शुरू करूँ, मैं उनका इंटरव्यू भी सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उनका ये कहना था कि मुझे जाते ही लग गया था कि इस पिच पे स्वीप शॉट या क्रॉस बैटेड शॉट नहीं खेल सकते हैं क्योंकि बॉल नीचे रह रहा है। फिर जिस तरह से उन्होंने सीधे बैट से शॉट्स खेले हैं, एक नई तिकड़ी हमें मिल गई ऐसा लग रहा है बैटिंग की। पहले हम रोहित शर्मा, विराट और शिखर की बात करते थे, बट एक्चुअली इस टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजी में जो हमें त्रिमूर्ति मिली है वो अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल है, जिसे अक्षर पटेल नंबर 1 पर है। हाँ राजीव, और यही तो भला है भारतीय टीम का कि हम लोग ब्लेस्ड है कि हमारे पास इस प्रकार के स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, और इसीलिए ऐसी विकेटों पे भारतीय कंडीशन में या फिर एशियाई सब कॉन्टिनेंट में ये सभी बल्लेबाज हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अक्षर पटेल ने सेंसिबल बैटिंग की, कॉमन सेंस लगाया और उन्हें रन बनाए। देखिए, हर एक प्लेयर का अलग अलग अंदाज होता है रन बनाने का, वो आप खुद आपको डिसाइड करना होता है कि इस विकेट पे मुझे किस तरह से रन बनाने होंगे। किसी और को आपको फॉलो करना नहीं, इमिटेट करना नहीं है। अब रोहित शर्मा का अलग अंदाज है, अक्षर पटेल का अलग अंदाज है, विराट कोहली का अलग अंदाज है, तो हर एक खिलाड़ी अपने हिसाब से तैयारी करता है, उसी को उसको पूरा करना होता है, और जो कि हमें हमारे टॉप ऑर्डर कर नहीं पा रहे। शुरुआत अगर मिल रही है तो उसको और आगे आपको बढ़ाना होगा, और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं उनको शुरुआत मिलती है फिर आउट हो जाते हैं। हम लोग ये कहते रहते हैं अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक हद तक ही सही होता है, उसके बाद तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी बड़ा रन बनाने की, क्योंकि इस समय हम एक टॉप साइड है, और टॉप साइड हम तभी हुए हैं जहाँ पर सभी को कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। और मैं बार बार बात को दोहरा रहा हूँ, आपको याद होगा पिछली बार जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या हुआ था, जहाँ पर ओवरसीज कंडीशन थे, वहां पर बॉल थोड़ी बहुत मूव कर रही थी, हम फंस गए वहां पर, हमने रन बनाया नहीं, और वो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार भी हो। तो आपको चलिए अभी तो मैच हो रहा है डिफरेंट कंडीशन में, पर अंत में आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो होगा वो इंग्लैंड में होने वाला है, जून में होने वाला है, फर्स्ट वीक में, वहां पर कंडीशन थोड़े बहुत अलग होंगे। तो कंडीशन जैसे भी हो, आप एक टॉप ऑर्डर बैटर हैं, इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, आपको कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। राजकुमार सर, ऐसा लग रहा था ये जो सीरीज देखी है, बांग्लादेश के खिलाफ हमने सीरीज देखी, या जितनी भी टेस्ट मैचेस हमने अच्छा किया है, वहां पर लोअर ऑर्डर के कंट्रीब्यूशन की वजह से हम टेस्ट मैचेस जीते हैं, और वो ऋषभ पंत ने जो मैच जीता है वहां से वो शुरू हुआ और वो सिलसिला चला आ रहा है। कब तक लोअर ऑर्डर ढकता है? और आपको भी लगा होगा एज अ कोच, आपको लगा कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बनस्पत बल्लेबाजों के, और इसी वजह से रिजल्ट तो ये कह रहा है कि हमारे जो टैलेंटर्स हैं उन्होंने ज्यादा टेक्निक पे और टेम्परेचर पे काम किया बनस्पत हमारे प्योर बल्लेबाजों के। नहीं देखिए राजीव, ये कहना तो गलत होगा कि उन्होंने ज्यादा काम किया है। काम तो बैट्समैन भी करते हैं, और बेचारे थ्रो डाउन वाले जो है हमारे, वो थक जाते हैं, उन लोगों को पूरा पूरा दिन बॉल डाल के, और ये लोग थकते नहीं है नॉकिंग करने से या थ्रो डाउन लेने से, तो मेहनत तो काफी की है। अनफॉर्चुनेटली रन नहीं बने हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन हाँ बहुत सराहनीय है कॉन्ट्रीब्यूशन लोअर ऑर्डर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो उन्होंने करके दिखाया है और कॉन्ट्रीब्यूट किया है भारत की विक्ट्री में। तो लेकिन अब समय है कि टॉप ऑर्डर जिम्मेदारी ले, और मुझे पूरी आशा है कि ऐसा ही आने वाले वो मैचेस में होने वाला है कि आप एक टॉप ऑर्डर आउट ऑफ 4 जो आपके हैं बैट्समैन, उसमें से एक प्लेयर, कम से कम एक प्लेयर लंबी पारी खेलता हुआ दिखे, जिसके सराउंड में बाकी लोग खेलते दिखे। राजकुमार सर, क्योंकि 10 दिन का गैप है लगभग, अब 1 मार्च को अगला टेस्ट मैच है, 2 दिन इधर आपको मिल गए क्योंकि पहले टेस्ट मैच खत्म हुआ और फिर आपका गैप है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो चाहे विराट की बात कर लें, जो हमारे ओपनर्स हैं उनकी हम बात कर लें, या श्रेयस अय्यर की बात करें, क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को, क्या कुछ उनको तैयारी करनी चाहिए? इंदौर एक और टर्निंग ट्रैक वेट कर रहा है, जितना मुझे पता है कि इंदौर में भी बहुत कुछ वैसी परिस्थिति होंगी जो नागपुर और आपको दिल्ली में मिली है। देखिए राजीव, मैंने जैसे कहा कि ये सब प्रोफेशनल प्लेयर हैं, भली भांति जानते हैं, अच्छा सपोर्ट स्टाफ है भारत के पास, एक बहुत समझदार कोच हैं राहुल द्रविड़ के रूप में, लेकिन मेरा अगर आप सजेशन मांगिए तो मैं यही कहूंगा कि आप जल्द से जल्द इंदौर पहुंचिए, वहां पर जाकर वहां की विकेट पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए, तो जिससे कि एक्चुअल आपको पता लगेगा कि यहाँ पर विकेट कैसा खेलने वाला है। आपको बॉलिंग अटैक के बारे में पता है, ऑस्ट्रेलिया क्या वहां पर भी 3 स्पिनर्स के साथ ही जाने वाला है, वो तो काफी हद तक मुझे उम्मीद है कि वो तीनों स्पिनर्स उनके खिलाएंगे, तो आप उसी तरह की प्रिपरेशन कीजिए। और ये अच्छा होगा कि आप, क्योंकि दिल्ली का विकेट थोड़ा स्लो है, इंदौर में आपको टर्न के साथ साथ थोड़ा बाउंस भी देखने को मिलेगा, और स्क्वायर टर्न होता है वहां पर, दिल्ली में आपको ऐसा टर्न नहीं देखने को मिला होगा कि बॉल बहुत ज्यादा घूम रहा था, ठीक है ऑट बॉल नीचे रह रहा था, बॉल स्पिन भी कर रहा था, लेकिन इंदौर में आपको बिल्कुल स्क्वायर टर्नर मिल सकता है जहां पर बाउंस भी होगा, तो
तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप जल्द से जल्द इंदौर पहुंचिए और वहां की विकेट्स पर जाकर तैयारी कीजिए। एक तो सजेशन ही हो गया, दूसरा सजेशन मैं देना अगर चाहूँ तो मैं कहूंगा अक्षर पटेल को थोड़ा प्रमोट कर दें बैटिंग में। लंबे हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, और जिस तरह की बैटिंग, जो अप्रोच से वो बैटिंग करी है वो सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव रहा। कैसे आप देख रहे हैं, सपोज अगर किंग्स भरत के ऊपर या जडेजा के ऊपर हम बैटिंग अक्षर पटेल को भेजें? देखिए ये वाला, ये विकल्प कई बार भारत इस्तेमाल कर चुका है जडेजा को भेजकर, विशेष करके ओवरसीज कंडीशंस में। पर यहाँ की जो कंडीशंस है यहाँ पर, तो आपको फेवर करना होगा अपने टॉप ऑर्डर बैटर को ही। अब आप श्रेयस अय्यर को नीचे कर दीजिए या फिर किस केएस भरत को नीचे कर दीजिए, उससे देखिए आपको लाभ तो होगा, पर हम किस तरह की पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है यहाँ पर जरूरी यह है कि जो बल्लेबाजों को आपने चुना है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के, उनको आप, उनके ऊपर आप और विश्वास बढ़ाएं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, विकेट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने के लिए किसी न किसी को भेजना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्लेयर्स आपने चुने हैं टॉप टॉप ऑर्डर में, उनको रन बनाने होंगे, उनको और विश्वास दिखाना होगा, चाहे वो पुजारा हो, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, रोहित शर्मा हो, केएल राहुल या कोई और खिलाड़ी हो। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर फिर अंत में अब इतने रन क्यों बने हैं, क्योंकि अक्षर पटेल की साझेदारी कितनी अच्छी हुई थी आर अश्विन के साथ, या फिर जडेजा की साझेदारी कितनी अच्छी होती है, या मोहम्मद शमी ने रन बनाए अंतिम में, तो वहां पर ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं इस बारे में जरूर सोचता अगर विकेट बहुत ज्यादा खराब रहता, जहां पर रन बनाना एकदम कठिन है, पर ऐसी बात नहीं मिली अभी तक पहले दो टेस्ट मैचेस में। यहाँ पर अगर आप समय गुजारेंगे विकेट के ऊपर, अगर आपका शॉट सिलेक्शन ठीक रहेगा, तो आप रन बना सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल ने दिखाया और आर अश्विन ने दिखाया है। इसीलिए मैं अभी इस समय तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा फेरबदल होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर। राजकुमार सर, क्योंकि मुझे पता है टॉस के लिए आपकी टीम को जाना है और आपको भी जाना है, एक आखिरी सवाल। पैट कमिंस अचानक भाग गए हैं यहाँ से, और हेजलवुड ऑलरेडी टीम के साथ नहीं है, मिचेल स्टार्क हैं जरूर बट उनकी जगह शायद ही बने। ऑस्ट्रेलिया का क्या मोराल आपको लग रहा है, पूरी तरह से टूट चुका है इस हार के बाद, क्योंकि कैप्टन का अचानक चले जाना और जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला आखिरी इनिंग में, वो ये दर्शा रहा था कि वो किसी डिफरेंट जोन में जा चुके हैं, वो मैदान पे नहीं है कम से कम। बिल्कुल राजीव, ये बहुत अफसोसजनक बात है कि कैप्टन को जाना पड़ा है। उन्होंने कोई साइड किया है, कोई रीजन कि कोई उनकी फैमिली में कोई बीमार है, वो दैट इज अनफॉर्चुनेट एंड वी सिंपथाइज विद हिम। और लेकिन हाँ, जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के मोरल की बात है तो वाकई में वो बहुत नीचे जा चुका है। अभी तो सुनने में आया कि शायद वार्नर भी फिट नहीं है अगले मैच के लिए, तो हाँ बहुत सारी मुश्किलें हैं अब ऑस्ट्रेलिया के लिए। और यहाँ से उभर पाना, भारतीय टीम जिस फॉर्म में है उस फॉर्म से अब उभर पाना मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत आसान होने वाला है। थैंक चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ज्वाइन कर सकते हैं, तब तक मैं यू। सभा भाई से एक दो सवाल और ले लेता हूँ। सभा भाई कैसे आप देख रहे हैं, पैट कमिंस ने कहा कि अचानक उनको ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए, डेविड वार्नर टीम के साथ नहीं है, हेजलवुड पूरे सीरीज के लिए बाहर है, और आपने इस सीरीज के शुरू होने के पहले हमारे शो पे कहा भी था कि अगर हमने पहले टेस्ट में कन्विंसिंगली मार दिया अगर ऑस्ट्रेलिया को, तो बिखर जाएंगे। क्या बिखर चुकी है ऑस्ट्रेलिया, अब आप कह सकते हैं? पूरी तरह से राजीव, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है इनका, और अब दूसरे टेस्ट मैच में अगर हम देखें तो इनकी स्थिति काफी मजबूत थी। वो थर्ड डे के सुबह वहां पर अगर ज्यादा कमिटमेंट, ज्यादा डेडिकेशन के साथ वो बल्लेबाजी करते तो मैच बन सकता था, और यहाँ से मैच इतनी बुरी तरह से हार जाना, ये बहुत बहुत बड़ा झटका है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज मुझे देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि सभी खिलाड़ी हताश हो चुके हैं। और ये हमेशा होता है इंडियन कंडीशंस में आके, कई सारी टीमों के साथ हुआ है, बड़ी बड़ी टीमों के साथ होता है हुआ है कि एक बार अगर आप नीचे जाने लगते हैं तो यहाँ से वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंडीशन बहुत टफ हो जाते हैं। फिर आपको रात भर नींद नहीं आती कि इस तरह के विकेटों पे मैं कैसे रन बनाऊंगा, रन आएंगे तो कहाँ से आएंगे, ये परेशानी हो जाती है। स्पिनर्स के साथ भी वही होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। तो एक तो मुझे लग रहा है कि इनकी तैयारी इनएडिक्वेट थी, जितनी होनी चाहिए वो वैसी है नहीं। अगर आप ये सोच कर आएंगे कि मुझे भारत जाना है, मैं 2 महीना पहले, 3 महीना पहले अपनी तैयारी कर लेते हैं और मैं भारत में जाकर जीत जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। इसकी बहुत लंबे लंबे समय की तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको विजन बनाना होगा, तभी आप भारत में आके जीत पाएंगे। हो सकता है कि आप पाकिस्तान में जीत लें, हो सकता है आप श्रीलंका में जीत लें, पर भारत एक अलग प्रकार की टीम है, और कंडीशंस यहाँ पर बहुत कठिन रहते हैं फॉरेन टीम के लिए, और ये बहुत सारी फॉरेन टीमों ने देख लिया है। जो हालत इस समय ऑस्ट्रेलिया की है, की हुई है राजीव, ये वही हालत 2013 में हुई थी, जो भारत जब ऑस्ट्रेलिया 4-0 से हार कर वापस गया था। जी
अभी आप देखिएगा बहुत जल्दी टीम के अंदर से हमें खबर आने लगेगी कि उसकी अनबन हो गई है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये हमेशा होता है जब टीम हारती है, लेकिन और ये भारत के साथ भी सवाल हुआ है जब 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 भारत मुझे बाहर जाता है खेलने के लिए और हारता है तो। लग रहा है जो सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया की कमी नजर आई वो कप्तान थे। आपको लग रहा है पैट कमिंस अगर कैप्टन नहीं होते तो शायद टीम में जगह ही नहीं बनती उनकी भारतीय परिस्थितियों में, क्योंकि मुझे याद है स्टीव स्मिथ जब कैप्टन थे उन्होंने पुणे में आके शतक लगाया और हम टेस्ट मैच हारे वहां, हालांकि हम बाद में सीरीज जरूर जीते, बट एक्चुअली जब कप्तान आपका बहुत सॉलिड होता है एक एक इमेज चाहिए भारत में अगर आप आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा पैट कमिंस की वो इमेज है जो भारत में आके एज अ कैप्टन लीड कर पाए। क्या ये एक बड़ी वजह रही है ऑस्ट्रेलिया की परेशानी की कि एक ऐसा प्लेयर कैप्टन था जिसकी जगह ही शायद अगर वो कैप्टन ना होते तो शायद टीम में ही जगह ना हो। राजीव वैसी बात नहीं है, पैट कमिंस ने बहुत मेहनत करके अपनी जगह बनाई है, इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया है। और यहाँ पर जिस तरह की प्रदर्शन देखिए, पैट कमिंस एक शानदार बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। उनको ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनसे कि ये जो भारत की कंडीशंस मिल रही है वहां पर आप कटर्स डालेंगे, आप उस तरह की फील्ड सजाएंगे और आप बैट्समैन को प्लान करके आउट करेंगे, जो रोल ग्लेन मैग्रा किया करते थे या फिर जो रोल जेम्स एंडरसन करते हैं, उस तरह का एटीट्यूड, उस तरह की प्लानिंग उनकी गेंदबाजी में देखने को नहीं मिली है। और उसके साथ साथ जो फाइट होनी चाहिए थी बल्ले के साथ वो भी देखने को नहीं मिली है। तो ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि कप्तान को जिस तरह से लीड करना चाहिए अपने प्रदर्शन से, वो पैट कमिंस ने किया नहीं है। पर उसके पर इस समय ज्यादा उपाय आपके पास बचा है नहीं है राजीव। स्टीव स्मिथ भी इस समय संघर्ष कर, हर एक प्लेयर इस समय संघर्ष कर रहा है, तो अभी जो है आपके पास उसी को आपको लेकर आगे बढ़ना होगा। अब पैट कमिंस की कप्तानी कल ही आप देख लें, 115 आप डिफेंड कर रहे हैं, आपने हर एक फील्डर तीन चार फील्डर बाहर रख लिए, वहां तो आसानी सिंगल आ ही रहे हैं। आपके पास 350 रन नहीं है डिफेंड करने के लिए, आपने 115 है, आप जब तक दबाव डालेंगे नहीं बैटर के ऊपर बड़े शॉट लगाने के लिए तो वहां कहाँ से आउट होगा, और अंत में नतीजा वही हुआ। तो मुझे लगा जिस तरह की प्रोएक्टिव कप्तानी होनी चाहिए वो देखने को मिली नहीं है पैट कमिंस से, और विशेष करके वो इस समय दबाव में है क्योंकि उनका व्यक्तिगत रूप से जो प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। चलिए सवाई जिस बात से चर्चा शुरू की थी अब उसी से खत्म भी करेंगे। आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी की वजह से आ रहा है ना कि गेंदबाजी की वजह से? देखिए टेस्ट मैच है, इसमें कॉम्बिनेशन निर्भर करता है राजीव। क्या आपको लगता है कि 7 विकेट जडेजा ने लिया हुआ और अश्विन के बिना ले सकते थे? ये हाँ सब स्पेक्युलेटिव बातें हैं। क्या नहीं, अक्षर पटेल वो इतना मैं रन बनाते? कंफ्यूजन मान रहा है देखिए कि बल्लेबाजी में इन तीनों का। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टर्निंग पॉइंट रहा है टेस्ट मैच का वो साझेदारी रही है अक्षर पटेल और आर अश्विन की, और पहले टेस्ट मैच भी इसमें इसी इसमें था दो राय नहीं है, जडेजा और अश्विन की वो भी वही राय। तो तरह। जो जो जहाँ पे टफ कंडीशन रहेंगे, चाहे वो स्पिनिंग कंडीशन हो या फिर पेस बॉलर के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो, वहां पर बल्लेबाजी का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो रन्स कहीं से भी आ जाए, उन रन्स का मूल्य बहुत ज्यादा होता है। और यहीं पर बड़े प्लेयर को आप डिफाइन करते हैं कि टफ कंडीशंस में कौन ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी टीम के लिए लड़ने के लिए तैयार। और रोहित शर्मा इसी तरफ वो इंडिकेट भी कर रहे हैं कि मुझे ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो इन टफ कंडीशंस में मेरे लिए एक मैच विनर साबित हो बल्लेबाज के रूप में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय टीम की नई त्रिमूर्ति इस समय चर्चा में है, यानी कि ये त्रिमूर्ति वैसे तो गेंदबाज हैं, प्राइमरी वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इन दिनों उनका बल्ला जमकर बोल रहे हैं और इसी वजह से उनकी बल्लेबाजी की वजह से भारत सीरीज में 2-0 से आगे आगे है। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन से भारतीय कप्तान बहुत ज्यादा खुश नहीं है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया, लेकिन अंत में आप सीरीज में 2-0 से आगे और अब इंतजार है दो टेस्ट मैच का, यहाँ पर कम से कम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में से कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन देख पाए ताकि भारतीय टीम न सिर्फ टेस्ट मैच जीते बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पूरी तरह से पक्की करती हुई नजर आए। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।